बोतलें वगैरह हैं, लाइटें हैं, साइड मिरर वगैरह, साइड मिरर वगैरह ज़्यादा है, ये ज़्यादा शावर बोतल, रेडिएटर बोतल है। हाँ ज़्यादा मेन आइटम मेरी यही है। मेन तो कितना अर्सा हो गया सर? ये हो गया 25-30 साल हो गए यहीं पे। हाँ जी, क्या हालात हैं? बस गुजारे वाला ही है। क्यों? सरकार तो कहती है हमने मईशत बेहतर कर दी, हमने कारोबार बेहतर कर दिया है। नहीं नहीं है, बस गुजारे वाला सिस्टम है, गुजारे वाला सूरत हाल है। अच्छा, तो मुझे ये समझाएं कि ये जो साइड मिरर आता है ये किस तरह सोर्स होता है आपके पास? ये मुझे लग रहा है सिटी गाड़ी का ये साइड मिरर है। ये तो बाहर से आते हैं ना कंटेनर में। अच्छा, दुबई से, जापान से, थाई से, ये है हमारे पास। थोड़ी थोड़ी आइटम है मेरे पास। जो मेन आइटम वो बोतल की है मेरे पास, वो रेडिएटर बोतल लगी है, शावर बोतल, रेडिएटर बोतल वगैरह। ठीक ठीक, हर तरह की गाड़ी का ये मिल जाता है? हाँ, मिक्स ही है, बाहर से आती है, हमारे कंटेनर में आती है हमारे। कि यहाँ से नहीं खरीदते आप? खरीदते यहाँ से ही हैं, लेकिन आती बाहर से ही हैं। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं वो रोज़ खबर में जी, गाड़ी के टायर चोरी हो गए, साइड के गाड़ी के साइड मिरर चोरी हो गए। चोरी वाला कोई कंसेप्ट नहीं, नहीं, है, नहीं मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं समझना चाह रहा हूँ। जी जी, इस मार्केट पे भी तो एक इल्ज़ाम है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और हमेशा लगता है, लगता है कि ये बिलालगंज मार्केट जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है स्पेयर पार्ट की, उस पर इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ चोरी का माल बिकता है। हाँ जी, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं नहीं, ये झूठ है, चोरी वाला सामान तो कोई नहीं है इधर। इधर तो कलर का ही फ़र्क होता है, दूर से पहचानी जाती है चोरी की गाड़ी, वाइट बाहर का वाइट, इधर का वाइट का ही फ़र्क है। तो जापानी गाड़ियों का कलर का ही फ़र्क होता है, पाकिस्तानी कलर दूर से पहचाना जाता है, इधर कोई चोरी का काम नहीं। लोकल इम्पोर्टेड गाड़ी का भी तो होता है ना? क्या इम्पोर्टेड गाड़ी का सामान भी चोरी होता है ना? नहीं नहीं, वो इधर एक मुझे ये चीज़ समझनी है, दूसरा मुझे ये समझना है कि एक गाड़ी जो 2023-24 मॉडल नई गाड़ी है, उसका स्पेयर पार्ट कैसे आ जाता है? वो तो अभी गाड़ी आई है, वो थाई में पहले मॉडल आ जाता है ना, थाईलैंड इधर बाद में आता है। ठीक है, वो पाकिस्तानी मॉडल की गाड़ियाँ उधर है। ठीक है, जापान में भी, थाईलैंड में भी, उधर पहले मॉडल आता, 5-6 साल पहले, 10 साल पहले आ जाता, तो वो इधर आता माल। एक चीज़ मुझे और समझा दें, यहाँ जो हम सुनते हैं गाड़ी चोरी होती है, वो अगर यहाँ इस मार्केट में नहीं बिकती वो कहाँ जाती है, कोई अंदाज़ा है? नहीं, इधर नहीं आती ना, इधर इसका कोई पार्ट्स आता है। ठीक है, देखा ना जिस तरह ये अब ये कटे फ्रेम पड़े हुए हैं सारे, ये क्या सिलसिला है? ये तो जापानी गाड़ियों का ना, पाकिस्तानी मॉडल का नहीं है, जापानी गाड़ियों का जो पहले आते थे कंटेनर में, अब ये भी बंद हो गए हैं। बंद हो गए? ये हाफ कट है, बैक कट है, ये बाहर से आती थी, अब नहीं आ रही ये भी। ये क्यों नहीं आती? ये जापानी गाड़ियों का, अब क्यों बंद कर दिया? इस पर वो ड्यूटी ज़्यादा लगाते हैं, ड्यूटी ज़्यादा ही नहीं करती फिर इतनी। अब वो किसी गाड़ी का वो नीले रंग की डिक्की और उसका वो जापानी वैगन आ रहा है। हाँ, वो उसका पिछले वाला ऐसा पड़ा हुआ पूरा। हाँ जी। अच्छा, ये इसी तरीके से अब किसी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ से उठा के? हाँ जी, ये बाहर से एक्सीडेंट गाड़ियों का सामान होता है। ठीक ठीक, इंश्योरेंस का 100-100 गाड़ी, 1000-1000, 500-500 गाड़ी की ऑप्शन होती है, वो आती है इधर, उसमें आता है, उसमें आता। क्या सूरत हाल है मार्केट में काम की और कस्टमर की, खरीदारी की है कि नहीं है? काम तो बस सही नहीं है, बस अब आपके पास जो आइटम है ये बड़ी एसेंशियल है, यानी गाड़ी का साइड मिरर टूट जाए तो वो तो फ़ौरन लगवाना ही लगवाना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। गाड़ी की वो जो ये रेडिएटर की जो बोतल है ये लीक हो जाए तो ये तो कोई गुजारा ही नहीं है, पड़ेगी फौरन तो इंजन खराब हो जाएगा। फिर इस पे कस्टमर पैसे लगा रहा है कि नहीं लगाता? लगाते हैं।